जो घटना मुकेश जी के साथ बेंगलोर में हुई है वो घटना इस देश में कोई पहली बार नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से ऐसी घटनाएं होती आ रही है, लेकिन हमारा ध्यान अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठा ही नहीं और हम यही सोचते रहे कि ये सारी बातें राजनीतिक है। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है कि जो मुकेश जी के साथ हुआ वो राजनीतिक नहीं बल्कि समाज की एक विफलता है। आज जो हनुमान चालीसा को लेकर हुआ है, कल वो आपके तिलक लगाने को लेकर होगा, हाथ में कलावा बांधने को लेकर होगा और यहाँ तक कि मंदिरों में पूजा करने को लेकर होगा। और ये सारी चीजें कहां तक जाएगी आप सोच नहीं सकते। आप लोग ये मानसिकता लेकर चलते रहोगे कि दूसरा आदमी बनिया है, जाट है, राजपूत है या गुज्जर है। ये चीज क्यों नहीं समझते होगे, इन सारी चीजों से पहले हम एक हिंदू है, क्योंकि जो भीड़ आपका विनाश चाहती है उसके लिए केवल आप एक हिंदू है। और इस घटना को आप मामूली मत समझिए, इस घटना के पीछे ये इनकी जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से इस देश के बहुसंख्यक समाज के मन में ये डर बैठाया जाए कि इनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। और अगर इसी तरह टुकड़ों में बटे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश फिर से वही विनाश देखेगा जो 20 अगस्त 1921 में मोपला, 16 अगस्त 1946 बंगाल और 19 जनवरी 1990 कश्मीर में देखा था। इतिहास गवाह है कि इन्हीं की वजह से राजस्थान में 1301, 1303, 1534 और 1567 में हमारे हजारों बहन बेटियों ने जोर की आग में जिंदा कूद के अपनी जान दे दी थी और आज भी इनकी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कब तक थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने अस्तित्व को दाव पर लगाते रहेंगे आप लोग? आप क्या यही मौन और आपकी ये चुप्पी इस आग को एक दिन आपके घर की चौखट तक ले आएगी और विधर्मियों की भीड़ जिस दिन आपके घर के बाहर खड़ी होगी और आपके परिवारजन में से किसी को बाहर घसीटेगी वो दिन बहुत भयावह होगा। लेकिन उस दिन ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपका व्यापार काम आएगा और ना आपकी संपत्ति काम आएगी। उस दिन केवल एक ही चीज काम आएगी, वो है आपकी सामाजिक एकता।